यूं तो दोस्तों बॉलीवुड में इस समय सूर्यवंशी का क्रेज है, लेकिन जल्द ही रिलीज होने वाली है बागी 3। टाइगर श्रॉफ की एक्शन पैक फिल्म इस बार होने वाली है बहुत ही बड़ी एक्शन से भरी हुई एक ऐसी फिल्म जहां पर टाइगर अकेले ही पूरे देश से भिड़ने वाले हैं। अब टाइगर श्रॉफ की बात करें तो एक्शन फिल्मों में अपना रुतबा जमा चुके टाइगर अब जान चुके हैं कि उनका जो काम है वो एक्शन में ही जमेगा। बागी 2 के बाद उन्होंने वॉर जैसी फिल्म की, दोनों ही फिल्में 170 और 300 करोड़ कमाने वाली रही। उसके बाद दोस्तों रिलीज होने वाली है अब बागी 3। बीच में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आई, लेकिन वहां पर थोड़ा सा लव एंगल था तो टाइगर फिल्म को हिट ना करा सके। वहां से टाइगर ने समझ लिया कि उनकी जो डिमांड है वो एक्शन पैक फिल्मों में है। फाइनली बागी 3 का ट्रेलर आया और टाइगर अपने फिर से रंग में दिखाई दिए। और अब ये एक्शन पैक फिल्म रिलीज होने में महत्व 5 ही दिन पीछे है। 6 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म बागी 3 का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो फैंस को एक्शन के मामले में खूब पसंद आया। टाइगर के फैंस के लिए एक्शन का बहुत ही अच्छा डोज इस फिल्म के अंदर है। अब दोस्तों फाइनली फिल्म की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है और ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ना शुरू करेगी। बागी 2 170 करोड़ कमा गई थी, तभी से डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 की अनाउंसमेंट कर दी थी। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में बन रही बागी 3 इस बार 200 करोड़ पे अपनी नजरें टिकाए हुए है। अब इसकी एडवांस बुकिंग से ये तय माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 20 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेने वाली है, जो कि टाइगर श्रॉफ फुल फॉर्म में एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिल्मों को लॉजिक की आंखों से देखने वाले दर्शकों के लिए टाइगर की ये फिल्म कुछ खास नहीं होने वाली है, लेकिन फिल्मों में लॉजिक ढूंढने वाले अक्सर फिल्म की जो एक्शन है उस पे की गई मेहनत को देखते ही नहीं। और टाइगर ने इस फिल्म में सब स्टंट खुद करके बहुत ही मेहनत की है और कई ऐसे एक्शन सिक्वेंस शूट किए हैं जिसमें टाइगर ने अपनी जान को जोखिम में डाला है। ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर होना तय है। पहले दिन ये फिल्म लगभग 25 से 26 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। बागी 2 ने भी 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बागी 3 बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है? खैर एडवांस बुकिंग काफी सॉलिड है और लगभग 10 करोड़ की तो होने ही वाली है। दोस्तों आप भी अभी जाकर टिकट बुक करा लीजिए, इसकी खिड़कियां खुल चुकी है। कहीं 6 तारीख को आप इसकी टिकट खरीदने की सोचे तो हो सकता है आपको सिनेमा घर मिले हाउसफुल। तो बागी 3 के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।